अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नबील कॉलोनी जिलानी मस्जिद के पास का नज़ारा है साहब। ये फजर की नमाज के लिए आए तो देखिए आप, ये हाल है यहाँ मुसल्लियों के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। ये जिलानी मस्जिद है, ये सलाला नबील कॉलोनी में। ये मस्जिद के अंदर का, ये मोहरियों का ड्रेनेज का पानी है, ये साफ पानी नहीं होता, ये बारिश का पानी नहीं होता, ये सिर्फ देख रहे हैं आपको, ये पूरा गंदगी, टॉयलेट की गंदगी है ये पूरी, जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई पूरी, वजू खाने के अंदर भी। हमारे अब्दुल्ला सादी साहब आए थे थोड़े दिन पहले, मिर्जा रहमत बेग को लेके MLC को। जब पूछे उनसे कि भाई ये क्या है, कब होता ख़त्म, क्या है बुद्धिना हो गया, 4 साल से पब्लिक को परेशान हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने बोल रहे हैं ये बात कि जहाँ बोले वहाँ बना लेते क्या, घरा तालाब की ज़मीन पे मस्जिद घरा बना लेते क्या, बोल के बोल रही। जबकि सविता मैडम पेमेंट रिलीज कर दी है ये कॉलोनी के काम के लिए, SNDP नाले के वर्क के लिए। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के जो चेयरमैन है अब्दुल्ला सादी, उन्होंने मेगा कंपनी का पेमेंट रोक के रख लिए, उसकी वजह से ये सारे मुसीबतें हो रहे हैं 4 साल से आज। और उनसे जब सवाल कर रहे हैं हमारे अहमद सादी से, जलपल्ली के जो चेयरमैन है MM पार्टी के, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि जहाँ बोले वहाँ बना लेते, तालाब की जगह पे, तालाब की ज़मीन पे ये मस्जिद बना लेते, घरा बना लेते। जबकि ये मस्जिद है अरफात भाई ट्रबल शूटर अपने MM पार्टी के, और ये नबील कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वाले उन्हीं है। तो अब एक ही पार्टी के दो बयाना आ रहे हैं, और दोनों भी जो सो ना पार्टी में जमात में बड़ी पोस्टों पे है। एक है जलपल्ली के चेयरमैन और दूसरे है MM पार्टी के खास ट्रबल शूटर अरफात भाई। इन दोनों के बीच में आज पब्लिक यहाँ पे जो सो ना ये गंदे ड्रेनेज के गूमूत के पानी में जीने पे मजबूर है। ये हाल है यहाँ पे, लोग लाखों रुपए लगा के अपने घर बना के यहाँ पे इतने मुसीबतें तकलीफ़ा उठाते हुए जीना पड़ रहा आज हमारे को। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। एक था बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करो, शेख सईद बावजीर, जो हक की बात करता था, सच्ची बात करता था, उसको भी नाजायज़ ना हक के अल्लाह कत्ल कर दिया। ये चीज़ ना उन्हें बता रहा था।